नमस्कार खुलासा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अनुष्का सिन्हा। भीड़ का कानून अलग है और सरकार के कानून के लाख कोशिश के बाद भी लोग ऑन स्पॉट फैसला करने से नहीं चूकते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोबाइल लूटकर भाग रहे दो अपराधी जब भीड़ के हत्थे चढ़े तो देखिए उनका क्या हश्र हुआ। मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोबाइल छीनकर भाग रहे दो अपराधियों को लोगों ने पोल में बांधकर तब तक पिटाई की जब तक कि पुलिस नहीं आ गई। पिटाई होते देख लोगों की भीड़ जुट गई। भीड़ से मिली सूचना के द्वारा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों अपराधी को भीड़ के चांगुल से बाहर छुड़ाकर थाने ले गई। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला ओवरब्रिज की है, जहाँ मोबाइल छीनकर भाग रहे बाइकर गैंग के दो बदमाशों को भीड़ ने धर दबोच लिया। लोगों ने दोनों अपराधी को नितेश्वर सिंह कॉलेज के पास पोल से बांधकर पिटाई करने लगे। इन मोबाइल लुटेरों के पास से लूटे गए मोबाइल भी बरामद कर लिया गया। मोबाइल मिलते ही लोगों का गुस्सा और भड़क गया। फिर लोग दोनों मोबाइल लुटेरों को जमकर पीटने लगे। सूचना पर पहुंची मिठनपुरा पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ के चंगुल से दोनों को छुड़ाया और पूछताछ के लिए थाने ले गई। RDS कॉलेज से मैं और मेरा मित्र लौट रहे थे, मोहन कुमार। जब ओवरब्रिज हमने पार किया तो दो बाइक सवार आए और हमारा मोबाइल छीन लिए। पीछा करते हुए हमने नितेश्वर सिंह के पास पहुंचा तो एक बाइक सवार जो था वो गिर गया है, हमारा मोबाइल मिल गया है। मैंने मिठनपुरा थाना को सौंप दिया। अब हम थाना पे जा रहे हैं, आगे की कार्रवाई देखते हैं क्या कुछ होती है। मेरा नाम राहुल कुमार श्रीवास्तव हो गया। हमको सूचना मिला है कि मोबाइल चोरी निकल के भाग रहे हैं और ये लोग पकड़ा यहाँ पर, इसलिए दबोचा गया है और दबोच करके थाना ले जा रहे हैं। क्या कार्रवाई किया जाएगा सर? जो उचित कार्रवाई होगी वही किया। पूछताछ में बदमाश अपना नाम बार बार बदल रहे थे, लिहाजा जब्त बाइक के नंबर के आधार पर दोनों के नाम पते का सत्यापन की जा रही है। मिठनपुरा थाना पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि दोनों युवकों का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खुलासा के लिए श्रुति प्रिया के साथ मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल खुलासा मीडिया को कीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।